हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का फजल है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, बड़ी देर से सारे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आपके अब्बू कहाँ हैं, उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊँगी पहले से लेकर एंड तक। तो दुख भरी कहानी तो बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि मैं बता नहीं पाती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी बात करूँ तो मुझे रोना आ जाता है। सो गाइज, मेरे अब्बू की डेथ हुई थी जब मैं पढ़ती थी फिफ्थ क्लास में। तो हमारा स्कूल नया नया खुला था, तो हम गए थे स्कूल 11 मार्च को। पहला दिन था हमारा स्कूल का और हम सारे स्कूल गई थी बहनें। तो मेरे पापा पहले दो दिन से ही गायब थे। वो जब घर से निकले थे 9 तारीख को, वो 10 को भी गायब, 9 को भी गायब थे, घर नहीं आए थे, और 10 तारीख को भी नहीं आए घर। मैं और मामा बहुत ढूंढने चले गए, उनके फ्रेंड्स को पूछा, अबू के फ्रेंड्स को पूछा, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था अबू का। तो फिर बड़ा ढूंढा हमने और बहुत पता किया, हर जगह पता किया, और कहीं भी नहीं मिले अबू मेरे, कहीं नहीं मिले। दो दिन तक कहीं भी नहीं हमें मिले, और हम दो दिन तक लगातार अबू का बिस्तर डाल के रखते थे कि हमें पता था कि अबू आएंगे, खुद आएंगे, घर अपना है तो आएंगे। बिस्तर, हम अगर कोई भी खांसी बाहर करता था तो हमें लगता था अबू आ गए, और हम बाहर निकलते थे कि अबू आए। हमने सोचा किसी फ्रेंड के चले गए होंगे अबू, मगर 9 तारीख को नहीं आए, फिर 10 तारीख को भी नहीं आए। क्योंकि अगर रहेंगे भी, एक दिन रहते थे, मेरे अबू किसी के घर नहीं रहते थे, अपने फ्रेंड के घर नहीं रहते थे, वो अपने घर ही आते थे। तो हमने बिस्तर डाल के रखा था मेरे पापा के लिए, तो हमने अबू के लिए बिस्तर डाल के रखते थे, डेली रखते थे डाल के कि अबू आएंगे, मगर अबू नहीं आए दो दिन। फिर हमें बहुत टेंशन हो गई, हमने बोला कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। फिर मामा उनके फ्रेंड्स को सबको पूछने गए कि आपने देखा, आपने देखे, आपने देखे, मगर किसी ने भी मेरे अबू नहीं देखे थे। तो फिर मेरे कज़िन ने, फिर सब ने ढूंढा, बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिले। 11 मार्च और हमारा पहला दिन स्कूल का, और हम सारे स्कूल चले गए। तो मैं तो फिफ्थ में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटी थी और मुझे कुछ पता भी नहीं है। जितना मुझे पता है मैं उतना शेयर आपसे करूँगी, और आधा मामा ने भी मुझे बोला है। तो 11 मार्च को मैं गई थी स्कूल, तो फिर वहाँ पे हमारे ऊपर किराएदार रहते थे, तो वो मुझे लेने आए स्कूल से। मैं खुश, मैंने बोला चलो यार छुट्टी होगी, छुट्टी मिल गई, अब कौन स्कूल में रहता इतनी देर तक, 4 बजे तक। तो वो मुझे लेने आए सुबह ही। मैं चली गई, मैं बाज़ार में देख रही हूँ कि यार अबू होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, मगर नहीं। मैं घर जाती हूँ और फिर मैं वहाँ क्या देखती हूँ, वहाँ पे सारे कमरों से चीज़ें निकाली हुई हैं बाहर, और सारे रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं अंदर गई, मैंने मामा को सिंपल पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं आपके अब्बू गुजर गए। बस मुझे कुछ भी पता नहीं, और मैं बाहर खेलने चले गई। मुझे इतनी सी अक्ल भी नहीं थी कि घर में एक मेरे अब्बू गुजर गए हैं और मुझे कुछ पता है कि नहीं है, मगर मैं बहुत छोटी थी और क्या ही पता होता है छोटे बच्चों को। तो अभी मैं बड़ी होते जाती हूँ ना, तो मुझे जब या सोचती हूँ मैं, तो मैं अगर बात भी थोड़ी सी करूँगी तो मुझे बात नहीं निकलती है। अब्बू के बारे में मैं बात कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे मुँह से ज़बान ही नहीं निकलती है। तो फिर अबू की डेथ हो गई, अबू गुजर गए, और बड़ी दी मेरे जम्मू में थे, वो अबू का चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि वो लेट पहुँचे, तो तब तक अबू को ले लिया था। और मुझे भी उन्हें तरले किए, बोलते चलो 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 चेहरा देखो, चेहरा देखो, मगर मैंने बोला मैं नहीं देखूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। हमने अपनी मम्मी को अकेले लड़ते हुए देखा है, और 4 लड़कियों के साथ अकेले, मेरी मामा ने बहुत मुश्किल उठाई, मेरी मामा को बहुत मुश्किल आई। और मैं अपनी मामा का, मैं मम्मी के साथ ज़्यादा बैठ नहीं सकती, क्योंकि मैं अपनी मामा को देख नहीं सकती हूँ। अगर वो थोड़ा सा भी दुखी होते हैं ना, वो किसके साथ शेयर करेंगे? अगर हम दुखी भी होंगे, हमारी मामा को बोलेंगे मामा ये बात है, वो बात है, शेयर कर देंगे, हमारा दिल हल्का हो जाएगा, मगर वो किसके साथ शेयर करेंगे ना? वो किसी को नहीं बताते हैं, और उनने हमें बहुत मुश्किल से पाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल से पाला, और हम मैं अगर थोड़ी सी भी अब्बू की बात करूँ ना, तो
थोड़ी सी भी, मेरे को घुसदम चढ़ जाते हैं और मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे को मुंह से जबान नहीं निकलती और मुझे बात करने नहीं आती है, बिल्कुल करने नहीं आती है बात, मेरे को मैं बता नहीं सकती हूँ। बनिहाल में रहे हैं बचपन से, तो मेरे अब्बू एक पहाड़ के नीचे गिरे थे, 400 फीट नीचे गिरे थे मेरे अब्बू, और वो 2 दिन तक वहीं रहे थे। मेरे अब्बू का बहुत बुरा हुआ और वो 2 दिन तक नहीं मिले, और उनके फेस पे कुछ भी नहीं था, सारा चिड़ियों ने खा लिया था, सारा मुंह पे कुछ भी नहीं था, सब खा लिया था सब कुछ। मेरे अब्बू की पहचान भी उनके कोट से की है, और उन पे उनके अंदर उनका आधार कार्ड था, उससे मेरे अब्बू की पहचान आई, शक्ल से नहीं आई क्योंकि फेस पे कुछ था ही नहीं था। चलो कुछ भी हो, सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से होता है, सब कुछ अल्लाह का करना होता है। मैं, मेरे साथ मेरे अब्बू की एक भी पिक नहीं है, मैं जब बहुत छोटी थी वो एक पिक है, बस वही एक है, और मैं तरसती बहुत हूँ कि मैं अपने पापा को फ़ोन कर सकूँ, मैं अपने अब्बू को, अब्बू के साथ एक फ़ोटो खींच सकूँ। ये मेरी ख्वाहिशें हैं, ये मेरा सपना है, वो सपना ही रहेगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी और मेरे अब्बू मुझे देखेंगे नहीं। वो बोलते थे कि मैं तुम्हें बड़े होते नहीं देख सकता हूँ, और तुम्हारी शादी कभी नहीं मैं देखूंगा, मैं बहुत दूर जाके मरूंगा। हम लड़कियां, हमें लड़का बन के रहना है, हमें अपनी मम्मा का बहुत 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 ख्याल रखना है और बहुत साथ देना है, क्योंकि हमारी मम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया और बहुत दुख उठाए, बहुत लोगों की बातें सुनी बहुत, मगर फिर भी मेरी मम्मा के मुंह पे एक शिकन भी नहीं आई, और मेरी मम्मा ने हमें बहुत अच्छी तरह पाला। और मैं बस यही दुआ करती हूँ मेरे अब्बू को जन्नत नसीब करना, जन्नत में अल्लाह ताला मुकाम अता करना, आमीन।